इनके परिवार को शांति मिले और इनके परिवार में सुख और शांति रहे। और ये एक बहुत ही बड़े लीडर थे जिन्होंने शुरू में जो है एक जंग संघ, भारतीय जनता पार्टी बाद में बनी जंग संघ के रूप में इन्होंने जो है किया। मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि हम समर्पण भी करेंगे। समर्पण क्या है, जितनी जो यथा शक्तियां इसके बीच में डालेंगे। देखो भारतीय जनता पार्टी, लोग कहते हैं कि कितनी बड़ी पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर चलती है। जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए तन भी लगाता है, मन भी लगाता है और धन भी लगाता है, ये बात हमें याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी सिर्फ एक ही सोची कि हमें जो काम करना है, जो समाज के अंदर गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनका कोई मसला नहीं, और इन्होंने जो है राजस्थान में जो है राजस्थान का राज्य ने जो है 10 रुपए पर मंथ और एक मेडल दिया था इनको पढ़ाई के लिए, जो पढ़ाई में पूछी लाइक थी। और इनके दिल में हर वक्त यही था कि गरीबों के एक लेन में जो लगे हुए थे, जो आखिरी व्यक्ति तक भी वो चीज़ मिलनी चाहिए जो कि आगे वाले को मिल रही है। और इनको मैं लास्ट में यही प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनको स्वर्ग में वास हो। धन्यवाद। दीनदयाल जी की पुण्यतिथि है, 10 अगस्त है। आज भारतीय जनता पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता है, आज सब इकट्ठा होकर, क्योंकि पंडित जी का पूरा जीवन समर्पित रहा है लोगों के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज के दिन को समर्पित दिवस के तौर पर मनाता है। मैं सोचता हूँ आज पंडित जी को हम याद करके, क्योंकि पंडित जी जैसे पंडित जी गोल्ड मेडलिस्ट थे और बड़े भूगोल शास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे, अगर वो चाहते तो IAS IPS कर ले, लेकिन उन्होंने गरीब जो उसकी उनकी सेवा करने की ठान ली, और जिसकी वजह से, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस के राज में लोग बड़े दुखी थे, और जिसकी वजह से उन्होंने ये प्रजा परिषद उस टाइम बनाई, जो जनसंघ है जिसका नाम जो जनसंघ बनाई, जम्मू कश्मीर में प्रजा परिषद थी और हिंदुस्तान में जनसंघ थी, वो जनसंघ बनाई। और मैं ये सोचता हूँ कि पंडित जी की वो सोच के अंत उदय जो आखिरी व्यक्ति तक जो है हर चीज़ पहुँचनी चाहिए, आज जो मोदी जी का जो पूरा फोकस है, पूरा जो ध्यान है, वो पंडित जी की उसी बात पर है कि अंत उदय, चाहे वो मकान हो, आखिरी हर आदमी का मकान बनना चाहिए, हर आदमी को नल का बिल नल मिलना चाहिए, हर आदमी को बिजली मिलनी चाहिए, हर आदमी को वो हर चीज़ मिलनी चाहिए जिसकी उसको आवश्यकता है। ये ना हो कि पहले लोग जो है वो सब ले जाए और लास्ट के आदमी को कुछ ना मिले। आज हम उसी के लिए हम जो समर्पित दिवस है, आज हम अपना सारा जीवन समर्पण करने के लिए आज हम इकट्ठे होते हैं, पार्टी के वर्कर उनको याद करते हैं, उनकी अच्छी अच्छी बातों को याद करके, उनको याद करके आगे बढ़ने की कोशिश।